मेरा नाम पूनम गिरधानी है और मैं पिछले 25 सालों से थिएटर कर रही हूँ, मंच पर अभिनय कर रही हूँ और पिछले 10 सालों से मैंने दास्तान गोई का अपना सफ़र शुरू किया है। तो पहले पहल दास्तान गोई की तरफ मुझे उर्दू ज़बान से मेरी जो मोहब्बत है वो लेकर गई और फिर धीरे धीरे दास्तानों ने अपने मुँह पाश में मुझे जकड़ना शुरू किया और फिर फॉर्म उसका जो जादू है वो मेरे सर चढ़कर बोलने लगा। और मैंने ये जाना कि ये एक ऐसी विधा है जिसमें मैं अपनी तमाम उन कहानियों को, दास्तानों को, बातों को, मरहलों को और जो मेरे कंसर्न्स हैं उनको मैं इस फॉर्म के ज़रिए बयान कर सकती हूँ। इदं तदाचर्य वचो पारासर्यो यदब्रवी मासु त्वं मक्करी पापं त्वं पच्छा कदं तपे यानि करोति पुरिसो तानि अत्तनि पश्यति कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिसं वपते बीजं तादिसं हत्ते फलन्ति। यानी आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। दास्ताने इरफाने बुद्ध लिखने का जो सफर है वो शुरू हुआ था अक्टूबर 2018 में, जब महमूद ने मुझसे कहा कि हम लोगों को बुद्ध पर कुछ काम करना चाहिए। आओ कथा एक कहें हम भाई, जिसने जानी पीड़ पर आई था वो एक तपस्वी ज्ञानी, जिसकी थी क्या सुंदर वाणी, गुण ही गुण थे जब वो आया उसने अपना ये भेद बताया, जब क्या है ये खेल हम खेला जीवन मरण और रुग्ण की बेला, उनने थे कई जन्म सधाए कभी पेड़ थे कभी लताएं, कण में कण के कण में क्षण में पल पल क्षण में, तुम में मुझ में तुम में, भूले नहीं पर अपने पद को जाना अपने बोधि सत को, सृष्टि की शक्ति को जाना तोड़ा अधम का ताना बाना, क्यों करते हो जाती 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 हाय रे जाती। इस फॉर्म में कोई तामझाम नहीं है, आप हैं, आपकी दास्तान है और आपकी दास्तान को सुनने वाले हैं बगैर किसी बहुत बड़े तामझाम के, सिर्फ और सिर्फ आपके वाचिक अभिनय से आप जो है अपने ऑडियंस को एक सफर पर ले जाते हैं। हालांकि दास्तान गोई विधा बहुत आसान लगती है, उतनी आसान है नहीं, उसमें बहुत पेच हैं और धीरे धीरे हम परत दर परत उन पेचों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक कलाकार के लिए सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि सफ़र अच्छा होना चाहिए, हर बार आपके पास कुछ नई चीज़ होनी चाहिए जो आप खंगालना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं।